तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैगी बन रही थी और सबको दे दिया मैंने खाने के लिए, और आपने मैंने भी ले ली। हेलो एवरीवन, अपने मम्मी के चैनल में आज ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मम्मी का गला थोड़ा खराब है इसलिए, और गाइस मम्मी कपड़े धो रही है, अभी दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ और जो ब्लॉगिंग की ब्लॉग स्टार्ट मेरे बच्चे ने कर दिया है क्योंकि मेरा थोड़ा गला खराब था इसलिए। मम्मी का आज गला खराब था ना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं धुल रही हूँ कपड़े वॉशिंग मशीन में, और थोड़ी धूप निकल आई है तो मैं सोची कपड़े धुल देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा चेहरा थोड़ा ब्लैक भी आ जाएगा क्योंकि धूप हो रही है, और यहाँ पे धुल गए मेरे कपड़े, और अब मैं कपड़ों को निकालूंगी, आधे धुल चुके हैं। तो आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए, और मैं सुबह मॉर्निंग में अपना सर भी धोया था तो बाद में खोल लग गया सुखाने के लिए। और तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैगी बनाने जा रही हूँ, देखिए मैगी है इन्हें मैं बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैगी बनाने के लिए मैंने फ्राई पैन रख दिया है, इसमें थोड़ा पानी है, पानी सूख जाने के बाद मैं इसमें डालूंगी ऑयल, और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब डालेंगे इसमें प्याज। तो देखिए यहाँ पर फ्राई पैन ज़्यादा गर्म हो गया था तो ऑयल डालते ही गर्म हो गया एकदम से ही, और उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छी तरह भून लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए उसके बाद टमाटर डाल देने हैं इसमें। टमाटर डालने के बाद कुछ इस मसाले जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इस तरह मैगी बनाते हैं तो आपकी बहुत ही टेस्टी मैगी बनने वाली है, आप ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची पाउडर डाल दिया है, हिसाब से डालना है, दो मैगी बनाने हैं तो उसी हिसाब से मसाले डालने हैं। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर एंड गरम मसाला डाल दिया है, और मैगी के टेस्ट मेकर जो होता है उसमें नमक पहले से ही होता है तो आप नमक थोड़ा डालिएगा और आपकी ये मैगी बहुत ही अच्छी बनने वाली है। यहाँ देखिए मैगी के पैकेट मैंने खोल लिए हैं, यप्पी वाली मैगी है और काफ़ी अच्छी बनेगी। ठंड के मौसम में आप बना के खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस मैगी से। तो देखिए यहाँ पे मसाले थोड़े से 2 मिनट के लिए हम चला लेंगे। मसाले चलाने के बाद इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद जो मैगी का टेस्ट मेकर होते हैं वो पैकेट इसमें खोल देंगे एक एक करके, दोनों पैकेट, दो मैगी हैं तो दोनों पैकेट खोल देंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे पानी डाल चुकी हूँ मैं, अब मैगी टेस्ट मेकर डाल देती हूँ और ढक्कन लगा कर इसको उबाल लेना है पानी को, तब जाके मैगी इसमें डालनी है। तो यहाँ टेस्ट मेकर मैंने डाल दिए हैं, उसके बाद मैं ढक्कन लगा देती हूँ इस डोंगे का हिलाने के बाद। तो फ्रेंड्स ये मैगी जो आप बनाएंगे ये बहुत ही अच्छी बनेगी, ठंड के मौसम में बहुत अच्छी लगती है खाना। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया, ढक्कन लगाने के बाद पानी उबल गया था। पानी उबलने के बाद इसमें डालेंगे मैगी जो हमने अभी बाहर निकाल के रखी थी, वो मैगी इसमें डाल देंगे और थोड़ा चला देंगे। चलाने के बाद इसका ढक्कन लगा देंगे ऊपर से, और थोड़ी देर 5-10 मिनट जब तक कि अच्छे से मैगी घुल ना जाए पानी के अंदर तब तक हम इसको लगा के रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ढक्कन लगा देती हूँ मैं इसका, अब मैं खोल के देखती हूँ कि मैगी कितनी पकी है, पर अभी अच्छे से पकी नहीं है तो इसको आप खोलकर ही पकाएंगे और जल्दी पक जाएगी। बस आधी पक चुकी है, आधी रह गई है बस, वो भी बन जाएगी। और फ्रेंड्स आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो उसे इग्नोर करिएगा और मेरा ब्लॉग पूरा इंजॉय करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैगी बनने वाली है, 5 मिनट और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे तो मैगी रेडी हो जाएगी। तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ, थोड़े से बर्तन पड़े थे सिंक में तब तक मैं धो लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैगी थोड़े बनने में टाइम था, तो मैंने सोचा यहाँ बर्तन धो लेती हूँ तब तक, क्योंकि ठंड काफ़ी पड़ रही है और गर्म पानी इतना टंकी का पानी ठंडा ही आ रहा था उसमें ही मैं बर्तन धो रही थी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बर्तन वॉश कर लेती हूँ फिर देखती हूँ मैगी कितनी देर में बनती है। 5 मिनट में बन के रेडी होने वाली है वैसे भी, और आप ठंड के मौसम में इस मैगी को इन्जॉय करिए, काफ़ी अच्छी लगने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे बर्तन धुल चुके थे, उसके बाद मैं मैगी देख लेती हूँ, मैगी बन के रेडी हो गई है और मैं अब इसको सर्व करूँगी। तो यहाँ देखिए मैगी बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है ये। तो ये मसालेदार मैगी है और ये काफ़ी अच्छी लगेगी ठंड में, गर्मा गर्म खाइए और गर्मा गर्म परोसिए, बहुत अच्छी लगने वाली है आपको। तो गाइज अगर मेरा ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया करो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दिया करें। तो यहाँ देखिए मैंने मैगी सबके लिए अलग अलग कर दिया है और आप चलो जी खाएंगे हम मैगी। ज्यादा नहीं है तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मेरा थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना। तो फ्रेंड्स देखिए लोग हैं, मैंने ले लिया अपने लिए मैगी,